सुलियाली, इंदौर और ज्वाली फतेहपुर में मौसम ने बदलना शुरू कर दिया तथा कई जगहों पर बादलों का गर्जना तथा बारिश होना शुरू हो गई। बदलते मौसम को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ने से प्रदेश में बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि होने की चेतावनी जारी की है। 30 अप्रैल तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही 29 अप्रैल तक पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा सक्रिय होने की संभावना जताई, जिसके चलते मैदानी इलाकों और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, बारिश की संभावना जताई है। मौसम के इस बदले रुख से मैदानी इलाकों में यहां गेहूं की फसल तैयार हो गई है, वहां बारिश को देखते किसानों में चिंता बढ़ रही है। किसान विजय ने कहा कि हमारी फसल तैयार हो गई है और कुछ जगह कटाई भी लगी हुई है, पर भगवान ऐसा मेहरबान हुआ है कि पूछो मत। पहले तो बारिश होती नहीं थी और अब बारिश ऐसे समय पर हो रही है कि हमने फसल काटी हुई है। अगर बारिश ज्यादा होती है तो हमारी फसल भी खराब हो सकती है। नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। जनाब, हमारी फसल है वो तैयार हो गई है जी। हम कटाई करने के लिए कुछ काटी भी है कुछ फसल जी, लेकिन परमात्मा का ऐसा मेहरबान हुआ है जी, पूछो मत। पहले तो बारिश होती नहीं थी, अब बारिश ऐसे टाइम पे हो रही है, हमारी फसल तैयार हमने काटी है। और ज्यादा बारिश होती है तो सर हमारी जो फसल है वो खराब भी हो सकती है, जैसे देसी भाषण कणक रुक भी सकती है जी, और जमीन पे खत्म हो जाती है तो शायद बचा भी हो सकता है जी। नहीं तो हमारी किसानों के लिए फसल बारिश बड़ी बेकार है जी, खराब है जिसे कहते हैं।